निखिल डे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनका जन्म 1963 में बंगलोर में हुआ। पिछले 35 साल से वह राजस्थान के गांवों में मजदूरों और किसानों के मुद्दे पर सक्रिय हैं। वह मजदूर किसान शक्ति संगठन के सह संस्थापक हैं और हिंदुस्तान की सूचना के अधिकार कैंपेन और नियम बनने में उनकी बहुत सक्रिय भूमिका रही। सोशल ऑडिट को एक सक्षम औजार बनाने में भी निखिल की प्रमुख भूमिका रही है। नमस्कार निखिल जी, आपका स्वागत है अहिंसा कॉन्वर्सेशंस में। तो पहला सवाल सबसे मैं यही पूछती हूँ कि आपकी बचपन से क्या याद होगी, अहिंसा के अनुभव या उसके विचार और असूल के बारे में? तो बचपन में मेरे ख्याल में अहिंसा और हिंसा दोनों एक तरीके से पूरक भी हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें साथ साथ देखी जाती है, एक ठीक लगता है एक ठीक नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं मेरे परिवार में जरूर ये मूल्य शुरू से सुनाई में आए कि हिंसा ठीक नहीं है, अहिंसा में ही एक तरीके से एक केवल एक शांति की बात नहीं है, लेकिन देयर इज अ डिग्री ऑफ कंफर्ट इन जब आप एक पारिवारिक स्थिति में जो भी चीजें हैं। और एक बहुत बड़ा चर्चा पर आधारित परिवार था, तो बातचीत कर सकते हो, बहस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ, तो डंडा होता है डंडे के रूप में और कुछ डंडा होता है कि छोटे बोलेंगे नहीं, बड़े ही बोलेंगे या नियम एक ही बनेगा। तो वो भी एक शुरुआती दौर से पता चलने लगा कि माहौल क्या होता है, वो परिवार से मिला। काफी इंटरेस्टिंग सी बात है, रोचक बात है कि मेरे पिताजी वैसे फौज में थे, तो शुरू के दिनों में मैंने ये नहीं सोचा कभी कि उनकी अहिंसात्मक जो मूल्य हैं वो फौज के साथ कैसे बैठता है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तब कहीं ना कहीं एयरफोर्स में थे, तो ये भी एक सवाल मेरे मन में जरूर उठा, क्योंकि मैं उनको एक बहुत अहिंसक व्यक्ति मानता हूँ। और तो उन वो एक लाइन कहते थे, और लंबा मैं उसमें जाऊंगा नहीं, लेकिन बाद में कहते थे कि वी आर अ डिफेंस फोर्स, वी आर नॉट एन ऑफेंस फोर्स। तो एक बात समझ में आनी चाहिए कि फौज भी उनके हिसाब से बनी ताकि युद्ध ना हो, ताकि हिंसा ना हो, वो कहीं ना कहीं वो उनके मन में था। वो एक इंटरेस्टिंग सी चीज है। लेकिन फिर भी कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी थे, ऐसा नहीं कि घर में कभी हाथ नहीं उठाया बच्चों के साथ। वो एक ऐसा एक नियम था कि कभी बहुत माइल्डली टू रिव्यूक, मतलब आप बच्चों के साथ या कुछ गलत कर रहे हैं तो कहाँ आप कहीं हाथ उठाएंगे, चाहे चोट लगे या नहीं लगे, वो बात अलग है, वो भी चर्चा। लेकिन स्कूल मेरे ख्याल में, और हमारी जो स्कूल की परिस्थिति है जहाँ स्कूल में हमें हाथ पे मारते थे, डर बहुत लगता था उससे, कॉर्पोरल पनिशमेंट का एक हिस्सा था। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं पब्लिक बोर्डिंग स्कूल में गया जहाँ दो प्रकार के बहुत, मैं तो मानता हूँ बहुत हिंसा थी बच्चों के। वैसे जिंदगी में भी हिंसा कहीं ना कहीं होती है और हिंसा हर प्रकार की होती है, लेकिन वहाँ बुलिंग एक बहुत, वो माना जाता था कि आप तब तक बड़े ठीक से सीखोगे नहीं जब तक आप बुलिंग को झेलोगे नहीं, और झेलोगे बिना। बुलिंग को हम हिंदी में क्या कहेंगे निखिल? बुलिंग होगा दूसरे को जानबूझकर परेशान करना, उसको पीड़ित करना है। हाँ, पीड़ित करना और आपके बड़े क्लास में होने का, आपकी पावर का दुरुपयोग एक तरीके से करना। के मतलब तो जो बड़े हैं क्लास, जो मतलब कक्षा के हिसाब से बड़े हो या अपने उम्र और साइज के हिसाब से बड़े हो, वो अपने से छोटों को पीड़ित करें, पीड़ित करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं उनको मजा भी आता। तो वो एक बहुत मेरे ख्याल में, हाँ सही है, मैं जरूर सीखा। मैं कई बार कहता हूँ मैं जिस स्कूल में था उसमें बाद में भी मुद्दे उठे, स्कूल का भी इशू बना। मेरे ख्याल में आजकल हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में भी ये मुद्दे बने हैं कि कहीं ना कहीं आप रैगिंग नहीं करोगे,
बुलिंग नहीं करोगे और रैगिंग भी उस ढंग का, तो लेकिन उस स्कूल में बहुत हिंसात्मक चीजें होती थी बड़े बच्चों और छोटे बच्चों के बीच में, और टीचरों के साथ मेरे ख्याल में मेरे स्कूल की जिंदगी में हमेशा रही, तो वो एक हिस्सा रहा, चाहे किसी ने कभी हाथ आगे करके हाथ पर मारा या थप्पड़ मारे या चौक फेंका या डस्टर फेंका या कुछ और इस ढंग से चीजों को की। बोर्डिंग स्कूल था तो एक हिस्सा हुआ, मैंने बाद में कई बार कहा है कि मुझे जिस काम में मैं आया हूँ उसमें हिंसा बहुत तरफ है, क्योंकि जब आप समाज के जो जो एक तरीके से पावरफुल लोग जो बहुत शक्ति का दुरुपयोग करने वाले लोग, उनके खिलाफ आवाज उठाते हो या अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हो तो हिंसात्मक कार्रवाई आती है जवाब में, मतलब मेरे ख्याल में उस अन्याय में भी अहिंसा है लेकिन एक हिंसात्मक एक जवाब आता है। उससे मेरा भय उस रूप में हटा क्योंकि मैंने स्कूल में इसको इतना झेला और देखा कि ये शारीरिक हिंसा से भय जो था, लेकिन कई और लोग बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हुए जिंदगी भर क्योंकि उन्होंने जो झेला वो उन्होंने उसका एक निशान एक तरीके से लगा और हमेशा के लिए लग गया, हमेशा के लिए लगा, और वो कोई शिक्षा नहीं हो सकती है कि आप बचपन में सीखो हिंसा झेलना था कि आप बाद में भी सीखोगे, वो एक अजीबोगरीब स्थिति। निखिल, क्या तुमने ये भी पाया कि जिनके ऊपर हिंसा हुई, क्योंकि अब वैज्ञानिक रूप से तो ये माना जाता है कि जिस बच्चे को पीटा जाए उसके बड़े होकर हिंसक होने के बहुत ज्यादा संभावना होती है, कि अगर बच्चा खुद पिटा है बचपन में तो वो बड़ा होकर किसी और को मारेगा, वो अपनी पत्नी हो या उसके आगे बच्चे हो या समाज में और कोई हो, तो तुमने भी क्या ये वहां अनुभव किया? मेरे ख्याल में वो नहीं, मैंने अनुभव तो बाद में, मैं नहीं जानता हूँ कि वो जो मेरे साथ में बच्चे थे या जो मेरे से सीनियर थे जो ज्यादा हिंसात्मक थे उन्होंने जो किया दूसरों को वो कैसे, जरूर प्रभावित हुए और भय था, शारीरिक हिंसा का भय था और शारीरिक हिंसा थी, लेकिन मुझे समझ में आया कि ये हिंसा एक पावर एक शक्ति के दुरुपयोग से आता है, बड़े बच्चे छोटों को करते हैं, एक नियम सा बना हुआ है उसका एक, तो स्कूल भी एक माइक्रोकॉज्म है, समाज भी यही कहता है कि बड़े छोटों को उनके साथ चाहे जो कर सकते हैं, और बड़े मतलब साइज में भी बड़े उम्र में भी बड़े लेकिन समाज में भी, हमारा जो एक पूरा जातिवाद वाला समाज है, या वर्गवाद तो हायरार्कीज जहाँ है वो उनके अंदर हिंसा निहित है, और वो निहित हिंसा समझ में आई और शायद कहीं उस अन्याय से लड़ने का भी एक सोच उसी समय पैदा होने लगा कि ये क्या है, और ये केवल ऐसा नहीं है कि कोई हाथ उठा रहा है, ये ऐसा है कि बिना कोई मतलब के लोग अपना शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये तो स्कूल का था। कहीं ना कहीं मैं कहूंगा, मैं मेरे पिताजी का ट्रांसफर अमेरिका में हुआ और वो एयर अटैशे थे यूएस एम्बेसी में, तो मैं 15 साल की उम्र में अमेरिका गया और एक साल स्कूल में बिताया और एक 3-4 साल कॉलेज में बिताया, और वहाँ कुछ मित्रों से कुछ लोगों से अमेरिकन लोगों से दोस्ती हुई जो न्याय की लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, पीस एक्टिविस्ट भी थे, लैटिन अमेरिका में जो अमेरिका का बहुत पार का दुरुपयोग था उसके खिलाफ भी लड़ रहे थे, तो वहां एक चीज की मैं बात करूंगा और उन तीन चीजों में, क्योंकि वो हमारे बाद के काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा, मैं कुछ फेमिनिज्म कुछ दोस्त थे जो फेमिनिज्म को बहुत आगे लाके उसको एक सोच के रूप में काम में ले रहे थे, और दो फेमिनिज्म की हिंदी क्या होगी निखिल, महिलावादी विचार? महिलावादी विचार तो एक है लेकिन महिलावादी एक ठीक ट्रांसलेशन मेरे हिसाब से महिलाओं के पक्ष में, महिलाओं के पक्ष का जो महिलाओं के पक्ष में नहीं, ये जो जो पेट्रियार्की के जो समानताएं हैं उनको हटा के, इसीलिए महिलावादी इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक वाद और दूसरा वाद नहीं है,
फेमिनिज्म एक तरीके से, और मैं यदि आपको बताऊंगा दो तीन कोट्स जो फेमिनिज्म से आए जो हमारे जिंदगी में मुझे और भी लोगों को बहुत काम आए, वो उससे थोड़ा सा ये इलस्ट्रेट होगा, ये समझ में आएगा। एक तो था कि तो बहुत खोज रहा था कि मैं कि न्याय की लड़ाई, क्योंकि मैं जब अमेरिका गया तब से मैं सोचने लगा था कि भारतीय समाज में इतनी असमानताएं हैं और इतना अन्याय है और इतनी भूखमरी है चारों तरफ, तो उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और वहां मैं बिल्कुल एक दूसरे समाज में गया जहां लोग लड़ रहे थे कि अमेरिका दूसरे देशों के साथ क्या कर रहे हैं और अमेरिका के अंदर भी क्या अन्याय है, और वो प्रभावित थे फेमिनिज्म से। तो एक जो बहुत तगड़ा मुझे लगा, एक किस्म का एक स्लोगन या एक प्रिंसिपल, माय लाइफ इज पर्सनल इज पॉलिटिकल, पहली बात ये। तो आपकी खुद की जिंदगी ही आपके राजनीतिक निर्णयों को तय करती है। और तब तक मुझे बहुत एक समझ में आ गया था कि ये असमानताएं राजनीतिक है, ये तो चाहे आप कहो जेंडर इनइक्वालिटीज, वो भी राजनीतिक है, वो कोई नेचुरल प्राकृतिक नहीं है। जातिवाद तो बिल्कुल ही एक राजनीति है, वर्गवाद एक राजनीति है। तो ये असमानताएं जहां बहुत अन्याय होता है वो राजनीति है, तो उसके खिलाफ लड़ना, तो पहले तो आपको अपने हर निर्णय को मानना पड़ेगा कि ये राजनीतिक निर्णय है। मैं कैसे रहूंगा, कैसे जिंदगी जीऊंगा, मैं दुनिया के हर हिंसा को नहीं रोक सकता हूं, लेकिन खुद मैं नहीं करूं तो वो जरूर मेरे हाथ में है। और इसीलिए मेरी राजनीति और मेरी व्यक्तिगत जिंदगी के बीच में एक बहुत बड़ा जुड़ाव है, और वो तो आप दुनिया नहीं बदल सकते हो लेकिन खुद की जिंदगी जरूर बदल सकते हो। एक दूसरा था जो फेमिनिज्म से आया कि माय लाइफ इज अ रेवोल्यूशन, क्योंकि शायद महिलाओं को हर क्षण क्रांतिकारी संघर्ष झेलने पड़ते हैं। भारत में तो जन्मों या नहीं जन्मों वो भी एक संघर्ष है, वो पता नहीं आपके हाथ में किसी और के हाथ में है, लेकिन उसके बाद खाना किसको क्या मिलेगा, पढ़ाई किस प्रकार की मिलेगी, भेदभाव कितना होगा, कितना बाहर जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, क्या कर सकते हो, निर्णय अपने हाथ में कितने हैं या नहीं है, वो हर क्षण पे एक संघर्ष है। तो वो हर क्षण एक क्रांति। तो बहुत सारा जब मैं क्रांतिकारी सोच के बारे में सोचने भी लगा तब ये बहुत काम आया कि क्रांति केवल वो नहीं है कि दुनिया की सरकार बदल जाएगी और तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके खुद के जिंदगी में एक एक चीज जिसमें खुद से भी कुछ संघर्ष करना है और बाहर से भी संघर्ष करना है। और तीसरा इसमें था कि जिसमें तीनों चीजों को समझ में आया, द आइडिया ऑफ द इंटीमेट एडवर्सरी और द इंटीमेट एनिमी, क्योंकि महिलाओं को लड़ना किससे है, अपने भाई, अपने पिताजी, अपने दोस्त, अपने जीवन साथी, अपने, और दोनों की कंडीशनिंग है लेकिन लड़ना पड़ेगा उससे और उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते। तो इन तीनों चीजों में एक बहुत बड़ी चीज जो ये अहिंसा के साथ जुड़ता है कि इच्छा नहीं है कि उनको खत्म करें, इच्छा है कि वो उनका सोच बदले। तो बदलाव की दुनिया में एक सोच है कि बंदूक उठाओ और वो जो बहुत बुरा है उसको खत्म करो, उस व्यक्ति को ही खत्म करो क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, और वो बहुत लोग अपनाते हैं और सोचते भी हैं। और एक जो फेमिनिज्म में बिल्कुल निहित है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये महिलावादी ये नहीं है कि पुरुषों को महिलाओं के जगह महिलाओं को लगा दो, पुरुष हटे और महिलाएं लगे, लेकिन वो सोच हटे। और इसीलिए फेमिनिज्म और पीस के बीच में एक इतना बड़ा रिश्ता है, इसीलिए फेमिनिज्म और वॉर नहीं हो, कहीं आवाज उठती है युद्ध के खिलाफ क्योंकि मरते हैं दोनों तरफ, वो फेमिनिज्म से आती है। तो ये तीन एक तरीके से प्रिंसिपल सोच बहुत काम आए, हम कैसे जिए, कैसा संगठन में मेरे लिए आया और भी लोगों के लिए आया। फिर जब आपने ये फैसला कैसे लिया कि आप गांव के ही स्तर पे काम करेंगे, एक तो ये, और दूसरा जो एक किस्म से अलग सवाल है वैसे, कि आप जब मतलब उम्र के हुए और आप अपनी जिंदगी आपने शुरू की, तो आप नक्सलवादी भी हो सकते थे क्योंकि वो भी एक हमारे देश की एक राजनीतिक और परिवर्तनशील धारा है जो न्याय चाहती है,
तो एक तो ये आपने अहिंसा का रास्ता कैसे चुना और गांव में राजस्थान में आने का कैसे आपका ये तय हुआ? तुम मेरे ख्याल में हमारे काम में दोस्तियां एक बहुत बड़ी चीज होती है और वो ही एक लंबा काम को संभव कर सकता है, मेक्स इट पॉसिबल, क्योंकि आप अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये परिवर्तन की लड़ाई एक सामूहिक लड़ाई है, एक सामूहिक संघर्ष है। और लड़ाई भी शब्द इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लड़ाई का अर्थ नहीं होता है मेरे हिसाब से कि आप लड़ मरो। ये या हर लड़ाई का मतलब झगड़ा नहीं होता, आई थिंक आप ये कह रहे हैं। तो संघर्ष ज्यादा अच्छा शब्द है, लेकिन सॉरी निखिल, क्या आपका मतलब है कि लड़ाई जैसे के संघर्ष? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ संघर्ष शायद अच्छा शब्द है, लेकिन लड़ाई भी बहुत बुरा शब्द नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ चीजों से लड़ना पड़ता है और उसका अर्थ नहीं है कि वो हिंसा है। तो हर लड़ाई हिंसात्मक नहीं है, बात यह है। और जब कहते हैं लड़ेंगे जीतेंगे, तो ये अर्थ नहीं है कि अब बंदूक लेके चल दो। तो ये एक चीज स्पष्ट था जब मैंने काम शुरू किया कि एक तो मेरी ही समझ हमारे ही गांव के, हमारे ही देश की बहुत कम थी, तो मैं उस खोज में निकला। दूसरा, जो मैंने कन्वेंशनल पॉलिटिक्स, जो मैंने पार्टी वाली राजनीति को बहुत बहुत निकट से देखा, 77 के चुनाव, 77 से पहले इमरजेंसी जिसमें मुझे बहुत बुरा लगा, फिर चुनाव जो देखा जहां लगा कि अब बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, और फिर उसमें देखा कि ये सारे लोग परिवर्तन, मतलब जेल में भी रहे, परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका एक पावर की लड़ाई है। एक कुछ लोग गए, दूसरे लोग आए, जरूर इमरजेंसी हटी, लेकिन जिस किस्म का परिवर्तन मैं खोज रहा था, चाह रहा था कि वो राजनीति से आएगा, मुझे नहीं लगा उस राजनीति से आएगा। तो असली राजनीति क्या है, तो वो फिर से वो पर्सनल इस पॉलिटिकल काम में आया कि मैं खुद मेरी जिंदगी और मेरी राजनीति को एक जैसे करूं। मैं बहुत अमीर, कंपैरेटिवली अमीर यहाँ भारत में है, वो अमीर लोग अपने आप को अमीर नहीं कहते, मध्यम वर्ग कहते हैं, क्योंकि वो एक कन्वीनियंस है। लेकिन वो मैं तो मानता हूं कि हम बहुत लोग भारत को देखें तो जरूर एक अमीर वर्ग में, बहुत छोटे से, बहुत प्रिविलेज क्लास के से हैं। तो जाके जियो, देखो, समझो, वो समझ है ही थी नहीं मेरे मेरे शुरुआती दिनों में, कभी मैंने देखा नहीं था, समझा नहीं था। तो उस समझ की खोज में गया और वहां गया जहां लोग जमीनी स्तर पर उस बदलाव को लाने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत अच्छे लोगों से मिला, देखा। और जरूर उस समय जो आपने सवाल उठाया था कि नक्सलवाद का, आज तो एक अजीब सी एक फौजी लड़ाई चल रही है, लेकिन उस समय नक्सलवाद की चर्चा भी बहुत थी और प्रभाव भी था नक्सलवाद का। मेरा मानना है, चाहे मैं हिंसात्मक तरीकों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, लेकिन उनके हिंसात्मक लड़ाई से प्रभाव भी पड़ा, बहुत सारे नियम बदले, बहुत सारे भारत का सोच बदला, बहुत सारे जमीन का बंटवारा भी हुआ। तो ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में, वो हिंसा जब तक हमारा इस किस्म की असमानता आएंगे, एक वर्ग बंदूक उठाएगा एक रूप में या दूसरे वर्ग। मुझे वो ठीक नहीं लगा, मुझे लगा कि पहली बात यह है कि सत्ता और सत्ता के साथ जिनकी शक्तियां हैं और शक्ति का दुरुपयोग है, उनके पास बहुत बड़े बंदूक हैं। तो प्रैक्टिकल रूप में भी नहीं लगा कि ये उनका कोई सामना इस तरीके से हो सकता है। दूसरा लगा कि बंदूक हाथ में आए तो एक शक्ति ऐसे आती है जो आप किसी और की जान ले सकते हो, तो उस शक्ति के खिलाफ ही एक लड़ाई थी। उस शक्ति का विकेंद्रीकरण या वो शक्ति हरेक में आए और बराबर हो, केवल पैसे बराबर हो वो नहीं, केवल सामाजिक स्तर बराबर हो वो नहीं, लेकिन सबके बीच में एक बराबरी, न्याय और बराबरी यदि लाना है, समानता लाना है, आना है, तो कम्युनिज्म, जो नक्सलवाद का एक बहुत बड़ा कम्युनिस्ट सोच है, उसके बहुत चीजों से मैं बहुत प्रभावित था और हूँ आज भी। उसकी आर्थिक समानता की बात से बहुत सहमत हूँ, बिल्कुल नहीं हो सकता है कि एक के पास करोड़ों हो और एक के पास पैसे नहीं हो और आप कहो कि एक न्याय स्थिति है, बिल्कुल नहीं। तो वो एक बहुत
गजब का सोच था कि लोगों के पास बराबर आर्थिक परिस्थितियां हो, और वो मेरे ख्याल में, लेकिन बंदूक उठा के वो ला सको, और वो बंदूक उठाने से आप भी दो चीजें थी कि आप एक तो बंदूक उठाओगे और लाने के लिए, वो एक, और दूसरा जब आप जीतोगे, यदि आप जीतोगे तो आप भी क्या बंदूक के शिकार नहीं होंगे, इस रूप में नहीं कि कोई आपको मारेगा, लेकिन इस रूप में कि आपके पास इतनी शक्ति आ गई कि आप किसी और की जान ले सकते हो, तो आपके ऊपर कहाँ नियंत्रण। तो ये नियंत्रण और की जान लेना, और इसीलिए आज भी डेथ पेनल्टी जैसे चीज मुझे बहुत बुरा लगता है। सरकार जब शक्ति का दुरुपयोग करता है, बंदूक का दुरुपयोग करता है, बहुत बुरा लगता है। सरकार, मुझे लगता है, स्टेट पावर के ऊपर दुगनी तिगनी स्टैंडर्ड्स है। जब कई लोग कहते हैं कि आप बात क्यों नहीं उठाते हो जो कहीं दुरुपयोग कर रहा है शक्ति का, आप सरकार पर क्यों उठाते हो, क्योंकि सरकार के पास कानूनी दिया गया है कि आप बंदूक रख सकते हो, अब उस कानून के दायरे में नहीं रहे और कानून का दुरुपयोग करें तो वो तो एक बहुत खतरनाक स्थिति है, और फिर तो वो उसका दुरुपयोग हर तरफ से होगा, क्योंकि जो लेजिटिमेसी दी गई है सरकारी ढांचे को। तो फिर कई लोगों ने हमें पूछा कि आप गांधीयन हो क्या, कई लोगों ने लेबल्स लगाने के बहुत जल्दी प्रयास किए। क्या तो क्या लोगों ने क्या कहा? कहा कि आप लोग, पहले तो हम मजदूर किसान शक्ति संगठन हमने बनाया गांव में, मतलब लोगों ने मिलके, तो वो लगा कि ये कहीं ना कहीं कम्युनिज्म से जुड़ा हुआ, और फिर क्यों मजदूर किसान शक्ति संगठन, और आप कोई पार्टी बना के सत्ता में नहीं आना चाह रहे हो तो क्या आप नक्सलवाद से आपका कहीं ना कहीं जुड़ाव है। एक बार हमारे पास चिट्ठी भी आई, कोई कलेक्टर ने चिट्ठी लिख दी कि अरुणा रॉय, निखिल डे, शंकर सिंह, वो कोई मीटिंग में बुल रहे थे, ब्रैकेट में CPIML, तो वो पता नहीं उनको कहाँ क्या, उनके उनके कागजों में कहाँ चलते रहता है ताकि वो ये चीजें कर सके। लेकिन ये बाहर वाले लोग हर समय आपको कहीं ना कहीं लेबल्स लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं, मेरे ख्याल में गांधी जी ने जो अंग्रेजों के साथ एक रास्ता अपनाया, और मार्टिन लूथर किंग ने रास्ता अपनाया ऑफ, एक तो जहां अन्याय है उसके खिलाफ करना है, तो कहीं ना कहीं खिलाफत करना है तो वो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एक बहुत बहुत पावरफुल रास्ता मेरे ख्याल में दिखाया। सिविल डिसोबीडियंस, कि कानून भी हो तो वो कानून जरूरी नहीं है कि वो न्यायपूर्वक कानून है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसका खिलाफत करो, आपकी ड्यूटी है कि आप उस सत्ता का भी खिलाफत करो यदि वो अन्याय भरा कोई रास्ता ला रहा है, तो उसकी खिलाफत करो और आप न्याय के लिए लड़ते रहो। तो बिना न्याय की लड़ाई अहिंसा का मतलब नहीं, न्याय की लड़ाई और अहिंसा दोनों साथ है। तो कई बार लोग हमारे जैसे दुनिया में कहते हैं कि आप अहिंसा मतलब कि आप वो, ये एक बहुत मतलब सब जगह बात हुई है, लेकिन कहते हैं कि इतनी हिंसा है, और उससे मैं सहमत हूं, गरीबी में इतनी हिंसा निहित है, लोगों को गरीब रखे हो निहित है, जातिवाद में हिंसा निहित है। तो इसके खिलाफ जब आप लड़ोगे तो आप कैसे लड़ोगे, तो वहां मेरे ख्याल में गांधी जी के रास्ते बहुत बहुत ताकतवर हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि उस सच्चाई में ही एक बहुत बड़ी ताकत है, और वो ताकत समाज भी समझता है, और इसीलिए वो समाज के जो शक्ति के दुरुपयोग है। आप अपनी बात पूरी करिए फिर मैं कुछ पूछती हूँ। हाँ, तो वो शक्ति के दुरुपयोग का सामना करने में सच्चाई और सच्चाई का रास्ता बहुत ताकतवर है, और हमें जरूर लगा, मेरे ख्याल में गांधी जी में ये जरूर था कि वो लोगों को साथ लेके भी चलते थे, लेकिन वो अकेले चढ़ने के लिए तैयार थे। हमें ये नहीं लगा कि हम कोई अकेले चल सकते हैं, हमें लगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सोच में शामिल भी करें और दोस्त भी ढूंढे जो इस सोच के हैं, जो हैं, और हम अकेले नहीं कर सकते हैं कुछ भी, हम गांधी जी जैसे बड़े नहीं हैं, लेकिन हम कुछ कर पाएंगे तो बहुत बड़े समूह को साथ ले, मतलब सबका सोच एक साथ बने
और तब बहुत बड़ी ताकत है, और इसीलिए लोकतंत्र में एक ताकत है, क्योंकि यदि आप उस ढंग का लोकतंत्र लोकतांत्रिक तरीके लाएं तो जरूर एक ये वोट वाले लोकतंत्र में तो बहुत सारी कमियां हैं, वो जरूरी है लेकिन उसमें कमियां हैं, लेकिन रोजाना एक लोकतंत्र एक लोकतांत्रिक कल्चर संस्कृति पैदा करना वो हमारे देश का एक बहुत बड़ी जरूरत है, हमारे समाज की एक बहुत बड़ी जरूरत है। तो इस लक्ष्य से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि अभी मैं आज से 30 साल पहले की बात कर रही हूँ, करीब करीब कितने हो गए अभी, हाँ 30 साल हो गए आपको, देवडुंगरी तो 87 में गए तो 34 साल हो गए। देखिए गाँव के स्तर पर हिंदुस्तान में या किसी भी शहर में भी जो हिंसा है वो तो हमें रोज अखबार बताती है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में आपने लोगों के आपस में अहिंसक उस तरह से, मतलब वो पॉलिटिकली अहिंसक नहीं, बट रोजमर्रा की जिंदगी में आपने क्या लोगों के बीच में तालमेल देखे जो एक किस्म से अहिंसात्मक है? I'm saying कि उसमें ओवरलैपिंग जो रियलिटी है कि क्योंकि हमारा जो समाज है उसकी ये, अब इसको खूबी कहें या अनोखापन कहें, कि ये जो अलग अलग हमारे पहलू हैं उनमें हिंसा और अहिंसा का एक बड़ा तालमेल है, ओवरलैप है, थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्योंकि मैं जानती हूं कि जब आप पहले वहां गए और अब में कुछ फर्क भी आए हैं, तो थोड़ा दोनों बातों के ऊपर कुछ रोशनी डालिए। तो हम लोग गए तो गए एक छोटे से गांव में, एक झोपड़ी में रहे, गांव के बीच में रहे, एक ट्राइबल इलाके में नहीं थे, तो जातिवाद भरा हुआ समाज उसके बीच में गए और वो हिंसाएं तो समझ में आई। मेरे ख्याल में कि आप यदि पैदा हो एक दलित परिवार में, आपके साथ इंस्टीट्यूशनल हिंसा जो फिर सबको मानना पड़ता है, तो कोई हाथ भी नहीं उठाएगा, कोई आवाज भी नहीं उठाएगा उसके खिलाफ, लेकिन आपको हर क्षण पता है मेरे ख्याल में। तो जो चीजें इंडिग्निटी एक तरीके से पैदा करती है हर क्षण में, वो तो दिखा, और दिखा कि इसको इतना समाज ने भी वहां रखा, और एक तरीके से समाज ने इस ढांचे को इतना ताकतवर बना दिया कि इसके खिलाफ आवाज उठाना संभव आसान नहीं है। और दूसरा कानूनी तौर पर भी कानून बिल्कुल उल्टा कह रहा था, लेकिन उसकी कोई परवाह तक नहीं, छुआछूत भी था, आज भी है लेकिन कम है। और हम लोगों के साथ वही था कि कोई यदि हमारे घर में आके, अरुणा और मैं, अरुणा का बहुत लंबा अनुभव था, शंकर उसी इलाके का था, और तो शंकर का घर माना जा रहा था जिस झोंपड़ी में हम रहे, आप भी आए हैं वहां, और उस घर में अंदर कोई आके यदि दलित बच्चा मटकी छूता, जो हमारे लिए वही था कि हमारी जिंदगी से ही लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या हमारी राजनीति है, तो तुरंत लोगों के ऑब्जेक्शन उठे, गांव के बीच में बैठ के ये नहीं कर सकते, और शंकर तो हमारे ही जाति का है, ये कैसे कर सकता है। तो उन चीजों में, उन बातचीतों में समझ में आया कि बदलाव आएगा तो कैसे आएगा, और बदलाव आने के लिए कैसे एक तरीके से कुछ खूबियां जो आप कह रहे थे हमारे समाज में है, कहाँ है वो मैं कह नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं, मेरे ख्याल में इंसानों में शंकर को देखो तो शंकर बहुत सारा एक तरीके से मजाक करता है, उसके इर्द गिर्द रहो तो हंसते रहोगे, लेकिन वो मजाक कुछ, वो गरीबी पर मजाक नहीं करेगा, वो अन्याय पर मजाक, मतलब वो उसी चीज को लेते हुए एक तरीके से चैपलिनेस्क, कि बिना उसकी गंभीरता को खोए लोग हंसते हैं, हंसते हंसते संघर्ष करते हैं, हंसते हंसते अपनी अपनी गरीबी को झेलते हैं, अपनी भूखमरी को झेलते हैं, वो गजब की बात, मतलब कोई हंसते हंसते, और हंसना मतलब वो खुद पर नहीं हंस रहे, वो हंस रहे हैं कि ये कितनी बड़ी आयरनी
एक तरीके से, और हंस रहे हैं क्योंकि लड़ते लड़ते हंसना भी पड़ेगा। तो वो एक ग्रामीण समाज का कुछ हद तक हमें समझ में आया कि एक, और जब लोग आवाज भी उठाते हैं तो यदि आप अहिंसात्मक तरीकों को अपनाएं तो शायद बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजस्थान तो बहुत फ्यूडल है, तो शायद बहुत मुश्किल है उस तरफ से हिंसा चलाना। आप ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं क्योंकि उनके सामने भी एक चैलेंज है, लोग रोज पीढ़ियों तक साथ रहे, तो फ्यूडलिज्म भी कहता है हमारे साथ रहने का एक बहुत बड़ा महत्व है, वो कहता है कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, हम बहुत शांति से रहे हैं। तो यदि लोग आवाज भी उठाएं तो उनको बिल्कुल खत्म करना वो आसान नहीं, कम से कम हमारे हमारे इर्द गिर्द हमें ये नजर आया। तो लोगों ने उठाया, अपनी बात उठाई, अलग अलग किस्म के अन्याय में अलग अलग किस्म के फॉर्मूले बने। आप सरकार से लड़ रहे हो तो कुछ लोग साथ होते हैं, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हो एक दूसरा ग्रुप साथ होता है, आप मजदूरों के मुद्दे उठाते हो तो तीसरे किस्म के लोग, आप किसानों के मुद्दे उठाते हो तो चौथे किस्म के लोग साथ आते हैं। तो साथ ये एक समाज के अंदर जो एक बना हुआ है, एक किस्म का एक बुना हुआ है समाज, उसमें इंसानों के रिश्ते भी हैं। तो आप यदि वो गैर इंसानियत अन्याय उसकी बात उठाएं तो कहीं ना कहीं आप इंसानों के रिश्तों के तरफ भी आपको करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, एक क्योंकि अंत में एक न्यायपूर्वक जिंदगी जो जीनी है। और इसलिए गांधी जी के साथ मैं अंबेडकर की बात भी रखना चाहूंगा हमारे हमारे जिंदगी में। एक हम लोग सोशल ऑडिट करते हैं, करप्शन भी की बात उठाते हैं, और वो कहाँ होता है, वो ग्राम पंचायत में होता है। और गांधी जी और अंबेडकर के बीच में ये हमेशा था कि पुरानी पंचायतें में भी बहुत निहित अन्याय है, और पंचायत राज में भी कई बार ये पूरे जो सामाजिक असमानताएं हैं वो आते हैं। तो कई बार एक बार एक केस हुआ था जहां एक रेप एक छोटी बच्ची का हुआ था शुरुआती दौर में, और वो जो क्योंकि वहां वो रेप करने वाला एक रावत समाज का लड़का था और वो दलित लड़की थी बहुत छोटी 5-6 साल की, और बहुत बुरा था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम बैठ के एक पंचायती करते हैं और कुछ हम फाइन दे देते हैं और कुछ और करते हैं, एक कवर अप ऑपरेशन था। और वो कई बार आप गांव में ही ऐसा निर्णय लोगे तो वो क्योंकि उनका पावर है वैसे हो सकता है। तो अंबेडकर का कहना था कि हमें केवल एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं लानी है, हमें एक सोशल डेमोक्रेसी लानी है, और सोशल डेमोक्रेसी ऐसी लानी है जिसमें हर एक व्यक्ति का लिबर्टी भी हो, केवल लिबर्टी ये नहीं हो कि एक मेजोरिटी का हो, हर एक की इक्वालिटी भी हो और हर एक के बीच में फ्रेटर्निटी भी हो। और वो फ्रेटर्निटी वो होगा तभी होगा जहां आप हर व्यक्ति की डिग्निटी को इंश्योर करा सको। तो वो हमारे लिए आरटीआई में एक चैलेंज रहा है, हमारे राइट्स बेस्ड लॉज में एक चैलेंज रहा है जिनके लिए हम लड़े हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने में एक चैलेंज रहा है। हम उस गांव के बीच में ही जब हम साथ बैठ के निर्णय लेंगे तो हर एक व्यक्ति को बोलने का अधिकार बराबर हो और हर एक की गरिमा सुरक्षित रहे, वो एक चैलेंज जो अंबेडकर ने हमारे सामने रखा। नहीं तो लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र ये नहीं है कि 50 लोग बैठे और 40 ने कुछ कह दिया और ये लोकतंत्र, बिल्कुल ही। तो वो एक दो व्यक्ति की भी गरिमा, और वो कहीं ना कहीं वो चाहे आप क्राइस्ट को देखो उनकी बातों में या बुद्ध के बातों में देखो, तो ये गांधी जी तो एक तरीके से उस किस्म के आध्यात्मिक सोच को भी लेके राजनीति में ला रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में अंबेडकर की भी सोच में भारत के लिए बहुत चीजें हैं और दोनों का कहीं ना कहीं मिलान करने की जरूरत है। ये जब आपने जनसुनवाई की प्रक्रिया को लिया तो एक किस्म से ये बहुत बहादुरी का काम भी था ना, क्योंकि काफी एक खतरा हो सकता था कि जनसुनवाई की प्रक्रिया में जैसे जैसे दोषियों के नाम सामने आए
तो लोग उनके ऊपर बिल्कुल टूट पड़े। तो ये थोड़ा बताइए कि पहली बात तो ये जनसुनवाई एक कैसे एक रचनात्मक और एक लोकतांत्रिक तरीका है, वो कैसे उभर के आया और उसको फिर समाज में कैसे आपने उसको उसकी जड़ें डाली ताकि लोगों का, सच में मैंने जहां तक देखा, जो जो दोषी निकल के आए एक किस्म से उनको अकाउंटेबल रखा गया, कि हिंदी क्या होगी, उनका दोष साबित हुआ पर उनको सुधरने का भी मौका मिला। तो ये पूरी प्रक्रिया कैसे आपने कर पाए वो थोड़ा बताइए। तो रजनी, एक फिर से मैं थोड़े कुछ कनेक्शंस एक तरीके से मैं कहूंगा, आरटीआई को यदि आप देखो तो आरटीआई, हालांकि बहुत लोग चिढ़ते भी हैं, लेकिन बहुत बहुत काम में लिया गया है और बहुत छोटे चीज। सॉरी एक मिनट, आप एक बार ना इसको पूरा कह के दीजिए, क्योंकि हम ये मान के चलें कि कुछ लोग ऐसे होंगे इसको देखने वाले जो आरटीआई नहीं समझेंगे, तो एक बार उसको हिंदी में पूरा स्पेल आउट। हाँ, तो उसी इलाके से राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार का, जो भारत में इतना बड़ा मूवमेंट है, इतना पावरफुल रोबस्ट मूवमेंट है, इतना पूरे देश में फैला हुआ है, कानून बना, मतलब उसकी शुरुआती संघर्ष एक जन आंदोलन के रूप में इसी इलाके में हुआ, उस छोटी सी झोंपड़ी और उसके आसपास के बहुत ही गरीब घरों के बिना पढ़े लिखे लोगों की लड़ाई के रूप में उभर के निकल के आया। और वो क्या थी, उसमें कुछ खास चीजें थी। एक तो वो सच्चाई की लड़ाई थी, सच्चाई को स्थापित करो। तो सच्चाई इज अ वेपन ऑफ द वीक, सच्चाई एक ऐसा चीज है जिसको औजार है। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट था, कई लोग कहते हैं ना कि सूचना के अधिकार एक हथियार है, फिर उसको हम लोग कहने लगे नहीं ये एक औजार है, क्योंकि हथियार से शायद आप किसी को मारोगे लेकिन औजार से आप चीजों को करोगे। और फिर एक बार औजार रचनात्मक होता है। और एक बार फिर अरुणा ने काम में लिया एक शब्द, और गोपाल गांधी ने उनको कोट भी किया था कि खुरपी है, तो वो खुरपी ऐसी है जो सूरज को अंदर आने देता है, हवा को अंदर आने देता है और मरते हुए एक पौधे को बचाता है। वो तो वो एक ऐसी प्रक्रिया है, और इसीलिए जनसुनवाई उसी प्रक्रिया को काम में लेती, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कहता है सच्चाई लाओ और सुधारो। और क्योंकि वो उसका वो सोच है, वो ये नहीं है कि इसने इतना भ्रष्टाचार किया तो इसको गोली मार दो, वो ये है कि इसने कितना किया, कैसे किया, कौन कौन थे इन्वॉल्व में, वो सारी चीजें बाहर लाओ और उसको सच्चाई को सामने लाओ। तो कई बार शंकर कहता है ये केवल एक एक्सरे नहीं है, ये MRI, ये हमारे सिस्टम का एक पूरा वो पूरा दिखा देता है कि क्या हो रहा है अंदर। तो क्या हो रहा है, फिर आप उसको ठीक करो, और कभी उसमें हाँ छोटा मोटा ऑपरेशन भी शायद कभी कभी करना पड़ेगा, लेकिन आप उसको मारोगे नहीं ना, तो आप उसको सुधारोगे, नहीं तो क्या मतलब है उस पूरी चीज का। तो वो ही जन सुनवाई उसका और भी सुंदर तरीका है, और इसीलिए मैंने कहा, और जन सुनवाई बाद में एक सोशल ऑर्डर प्रक्रिया बनी जो अब दुनिया भर में भारत से फैल रही है। तो केवल आरटीआई कानून नहीं गया, सोशल ऑडिट एक तरीका गया कि सूचना को कैसे काम में लो और कैसे आप जनता के बीच में एक लोकतांत्रिक ढंग से उसको काम में लो। तो इसीलिए शब्द सोशल ऑडिट क्यों, जन सुनवाई क्यों, वो कोर्ट नहीं था, वो जन अदालत नहीं था, वो एक सुनने का एक मंच था, सुनो समझो देखो सच्चाई क्या है, और हाँ उसके बाद उसकी सुधार की प्रक्रिया चलती रहेगी। और ऑडिट भी एक प्रक्रिया है, ऑडिट भी एक लेन देन, एक डायलॉगिक प्रक्रिया है। ऑडिट कोई कोर्ट का निर्णय नहीं, लोग सवाल उठाते हैं, उसका जवाब आता है, फिर और सवाल उठते हैं, फिर एक पैराग्राफ बनता है, फिर वो चलता है। और ऑडिट का शब्द भी आप यदि देखोगे पुराना, तो वो ऑडियर टू हियर, सुनना। निखिल, तो जो मुझे बात यहाँ, सॉरी मैं जोड़ दूं फिर आप कंटिन्यू करिए, आपकी बात से मुझे ये भी फिर से वो
समझ आ रहा है, कई लोगों ने ये कहा है कि अहिंसा का पहला कदम है कि आप दूसरे को सुनो, तो आई थिंक आप यही कह रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि ये एक पहला भी कदम है, और ये अहिंसा केवल नहीं है, एक न्याय की लड़ाई है। तो मतलब अहिंसा के अंदर अहिंसात्मक न्याय न्याय परिवर्तन लाने का एक एक बिल्कुल एक रास्ता था। और कहना पड़े, सुनो और सच्चाई सामने लाओ। सुनो मतलब आप केवल एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो, वो नहीं। तो सूचना के अधिकार, जनसुनवाई, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाता, सबको बुलाता, सबको कहता कि सबके पास, और वो लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी ताकत है, सबको मौका है बोलने, आपको भी टाइम मिलेगा, दूसरों को भी मिलेगा, और सबके सामने होगा, और सब मिलके इस सच्चाई को का सामना करो और कहो कि इसमें क्या है नहीं है। और वहां अम्बेडकर की वो सोशल इक्वालिटी, सोशल डेमोक्रेसी की चीजें आती कि बोलने में यदि कोई व्यक्ति घूंघट लेके एक महिला बैठी है तो तब उसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं, क्योंकि उसकी वो बोलने की स्थिति नहीं है। यदि कोई घुमंतू जाति के या दलित बाहर बैठे हैं और बोल नहीं सकते हैं तो तब उसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं, न्याय नहीं। तो वो मंच जहां सबको एक बोलने का मौका, इज्जत के साथ बोलने का मौका, निडर होके बोलने का मौका, निडर, हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी, निडरता बहुत बड़ा हिस्सा, सच्चाई, निडरता पैदा करना हम सबका ड्यूटी है, हम सबका। तो यदि हम कह रहे हैं कि हम एक अहिंसात्मक तरीका अपना रहे हैं, उसमें हर वो उस आखिरी व्यक्ति को निडर होके बोलने की जगह होनी मिलनी चाहिए, वो उसका एक निहित बात। तो जन सुनवाई एक बहुत सुंदर रचना हुई, वो एक व्यक्ति की नहीं थी, और वो ये पब्लिक हियरिंग जो हम शहरों में सुनते हैं वो नहीं है, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म, और वो बहुत फैला है, वो बहुत काम में आया है, वो बहुत अलग अलग ढंग से काम में लिया गया है, वो टेक्निकल बन के सोशल ऑडिट भी बना, लेकिन टेक्निकलिटीज में भी, सत्ता के टेक्निकलिटीज में भी एक बहुत बड़ा काम है। जैसे वोट बना एक टेक्निकल डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे और हैं, प्लानिंग भी है, तो ऑडिटिंग भी है, तो निर्णय लेने की प्रक्रिया, तो कानून बनाने की प्रक्रिया। मैं एक और चीज जोड़ूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है टाइम भी काफी हुआ है, कि RTI, रोजगार गारंटी, इनके आप नारे यदि सुनेंगे फिर से, ये उसी प्रकार के, RTI का क्या था, हमारा पैसा हमारा हिसाब, पहला नारा, और हम जानेंगे हम जिएंगे। तो ये सब नारे उस ढंग के थे जो कह रहे थे कि सच्चाई सामने लाओ और सबके बीच में एक बराबरी का अधिकार दो। और इसीलिए यदि आप, रोजगार गारंटी का था कि हर हाथ को काम मिले, काम का पूरा दाम मिले, फिर से वो एक समानता और वो इज्जत से के साथ काम को जोड़ना और उस काम का पूरा दाम सबको मिलना, वो हम सब चाहते हैं, वो केवल जो लोग संघर्ष कर रहे थे वो नहीं, वो केवल एक इलाका नहीं, आज दुनिया में किसी को भी पूछ लो, उनको चाहिए कि उनको काम चाहिए और काम का पूरा दाम चाहिए और वो इज्जत चाहिए। तो बहुत सारे, एक रास्ता खुला, दुनिया का परिवर्तन उस रास्ते से नहीं होगा, लेकिन हमें एक छोटा रास्ता जरूर मिला कि लोगों के अंदर जो परिवर्तन चाह रहे हैं उनको सशक्त करें, कानून भी सशक्त करें, समाज भी सशक्त करें, बोलचाल के तरीके भी सशक्त करें, तो वो राइट्स बेस्ड लॉज का एक रास्ता भी मिला। अब वो नहीं है कि रोज आप राइट्स बेस्ड लॉज ही कर रहे हो, लेकिन वो एक रास्ता मिला जिसमें लाखों करोड़ों लोगों के कुछ जीने के अधिकार भी मिले और उनको प्राप्त करने के भी रास्ते मिले। अंत में निखिल, एक आपकी मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या एडवाइस देंगे आज कल के नौजवानों को, क्योंकि हमारे समाज में जैसे जैसे प्रकट हिंसा एक किस्म से बढ़ी है, वो शब्दों की हो, वो सोशल मीडिया पे हो, या आए दिन लोगों पर शारीरिक हमलों की हो, खासकर धर्म और जाति आधारित, तो इस माहौल में मैं देखती हूँ कि कई नौजवान लोग चाहते हैं कि वो अहिंसा का, मतलब अहिंसा के द्वारा न्याय का रास्ता वो पकड़ें,
लेकिन कई बार वो अपने आप को इसमें कमजोर महसूस करते हैं या उनके मन में संकोच आता है कि इसको तरीका क्या है, और हम अपने तो उनके वो अपने भीतर क्या ताकतें पैदा कर सकते हैं, वो कैसे अपने आप को सशक्त कर सकते हैं, आप अपने अनुभव से उनको क्या एडवाइस देंगे? तो सच बताऊं रजनी, मुझे लगता है हम में से बहुत लोगों के सामने बहुत बहुत बड़ी चुनौती का समय, क्योंकि ये सोचें कि यदि 30-35 साल में हमने जो सोचा उससे ज्यादा प्राप्त हुआ, हम एक तरफ हमने हमारे को अंधेरा यदि दिख रहा था तो कुछ कुछ रोशनी भी दिखी। एक तरीके से सोचो तो हम छोटे से लोग हैं, एक छोटे इलाके में हैं, संगठन भी है तो बहुत बड़ी करोड़ों में देश में एक बहुत बूंद जैसे है, लेकिन फिर भी उसका असर हुआ और बहुत अच्छा असर हुआ। हमने किसी को नुक्स ये न्याय की लड़ाई हमारी लगातार चलती रही और अहिंसात्मक तरीके से चलती रही, लेकिन आज जो सत्ता का रूप दिख रहा है, एक तरीके से कानून का भी दुरुपयोग, हम संविधान बचाओ देश बचाओ इस किस्म की चीजें, क्योंकि वो संविधान में बहुत सारे बहुत सुंदर चीजें हैं जिसके लिए हम लड़ते रहे, जिसके लिए हम संघर्ष करते रहे, आज उस संविधान को अंदर से ही खोखला सा बनाया जा रहा है। आज कानून का हमारा मानना है कि दुरुपयोग ऐसा हो रहा है, एक किस्म से आजकल लॉफेयर कहते हैं, एक वॉफेयर कानून को काम में लेते हैं, लोगों को जेल में डाल रहे हैं जो बहुत अच्छे जिंदगी भर जिन्होंने अहिंसात्मक लड़ाई बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, न्याय की लड़ाई लड़ी, उनको उठा उठा के जेल में डाल रहे हैं। और यदि किसी अन्याय वाले कानून के खिलाफ कोई आवाज इस देश में उठाता है जिस देश की आजादी इससे मिली, उनको भी टेररिज्म वाले लॉ, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, देशद्रोह, उस किस्म के कानूनों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो आपने सवाल उठाया बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरफ बाहर वहां मॉब वायलेंस एक तरीके से पैदा किया जा रहा है, ताकि एक तरीके से कानून का दुरुपयोग और गलत कानून, और दूसरी तरफ जनता ने हाथ में ले लिया कानून वही और आपके पीछे पड़ गए, तो चारों तरफ से एक बहुत बड़ा आक्रमण है। तो उस आक्रमण का सामना करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसको कहना कि हाँ हमारे पास रास्ता है, और ये 35 साल वाला रास्ता हमें दिख रहा है कि बहुत आगे बढ़ेगा, इतना कुछ प्राप्त होने के बाद भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ा दुख भी है। लेकिन हमारा मानना है कि जब हमने काम की शुरुआत की, हमें एक बहुत, यदि आप सोचें कि राजस्थान के एक गांव में जाके जिन चीजों की हमने बात उठाई, वो एक बहुत हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर था। हम बहुत छोटे थे और वो इर्द गिर्द वो एटमॉस्फेयर बहुत हॉस्टाइल था, और लोगों ने इस रास्ते का लॉजिक देखा, साथ में उनका भी एक लॉजिक था जिससे हम सहमत नहीं थे। आज भी एक लॉजिक चल रहा है जिससे हम सहमत नहीं है, ये कि ये हिंदू राष्ट्र वाले लॉजिक से हम कतई सहमत नहीं, और हमें तो लगता है कि ये देश ही बना जहां लोगों को अपने अपने फेथ पर बराबर इज्जत मिल के और सरकार सत्ता उससे अलग रह के सबके साथ बराबरी का व्यवहार करके आगे चलेगी। हमें ये मार्केट, और जिस ढंग से मार्केट भी बढ़ते रहा इन सालों में, जहां आप यदि सोचो कोरोना के टाइम में, ये जो ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट निकाला है कि 100 सबसे ज्यादा बिलियनर्स जो हैं, उन्होंने 13 लाख करोड़ एक्स्ट्रा कमाए, वेल्थ ज्यादा बढ़ा, जिसमें नरेगा जैसा प्रोग्राम जिसमें 10-12 करोड़ परिवार आते हैं काम पे, वो 10 साल वो नरेगा चल सकता है, वो केवल 100 परिवारों ने कमाया। तो वो दोनों, मतलब ये कैपिटलिज्म और मार्केट वाला अन्याय, और ये समाज में एक ही वर्ग वो हावी होना चाहता है सबके ऊपर, और उसका दुरुपयोग राजनीति में दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका सामना कैसे करें? मैं इतना ही कहूंगा कि आज भी हम लोग जिंदा हैं, हमारे जैसे लोग, और आज भी हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे युवा हैं जो कहीं नरेगा के यूनियन बना रहे हैं, जो कहीं जन सुनवाइयां कर रहे हैं, जो कहीं
बुजुर्गों के लिए उनके पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, नवयुवक भी हैं, बुजुर्ग भी लड़ रहे हैं। तो ये लोकतांत्रिक तरीके में लोगों के विश्वास, हमारी जिंदगी में हमें दिखा कि वो संख्या बढ़ी, कम नहीं हुई। और ये हमें समझ में आया कि ये एक बहुत लंबा संघर्ष है, हो सकता है आज की तारीख में सत्ता में वो लोग हावी होने लग गए, लेकिन समाज में एक बहस है, उस बहस की जगह है। और मेरे ख्याल में मैं लोगों को यही कहूंगा कि जिस दिन हमने हमारे उसूल छोड़ दिए उस दिन हम हार गए। जब तक हमारे उसूल हमारे हाथ में है तो वो पर्सनल इज पॉलिटिकल ही सबसे बढ़िया फॉर्मूला आज भी है कि हम तो नहीं छोड़ेंगे और वो राजनीति हम पकड़े रखेंगे और उसके रास्ते ढूंढते रहेंगे। और उसमें एक बहुत बड़ी ताकत है क्योंकि हम तो नहीं हारे व्यक्तिगत तौर पे। पर मैं फिर भी आपसे ये चाहूंगी निखिल कि आप अपने डिसिप्लिन के बारे में थोड़ा सा एक मिनट का कुछ कहिए, क्योंकि आप में मैं तो आपको अब करीब 40 साल से जानती हूँ और आप में एक शांत रहने की बड़ी वो आपका गुण है। तो इस सेंस में मतलब आप अपने मन दिलो दिमाग के क्या कुछ आप एडवाइस देंगे कि क्योंकि जब हम इस किस्म के तनाव और क्या कहें तहस नहस चीजें होने वाले माहौल में रह रहे हो तो खासकर नौजवानों के लिए ये बड़ी चुनौती होती है कि वो अपना हौसला और अपनी एकाग्रता को कैसे बनाए रखें। तो उसमें कुछ आप कहना चाहेंगे कि वो क्या कर सकते हैं अपने ये डिसिप्लिन को कल्टीवेट करने के लिए? तो वो मेरे ख्याल में रहती है ये हर एक में है, हर एक के अंदर, और नौजवानों में भी एक मैच्योरिटी तो है। मैं ये नहीं, मैं मुझे तो लगता है कि कोई किसी और के बहकावे में जो चल रहे हैं वो खो देते बैठते हैं अपना अपना डिसिप्लिन, क्योंकि कोई और उनको कहता है ये करना है, कोई और कहता है, वो चाहे इस तरफ के हो या उस तरफ के। मैं इतना ही कहूंगा कि एक फॉर्मूला तो अपनाना चाहिए कि खुद थोड़ा सोचें कि मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूं या नहीं, और उसके क्या असर पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे। वो यदि सामाजिक राजनीतिक काम में हमें आना है तो वो हमारा एक मूलभूत चीज है कि हमारे हर निर्णय के लिए, हमारे हर चीज के लिए खुद जिम्मेदारी लें। और वो एक बहुत अच्छा हमें सबके साथ देता है कि हम, हो सकता है कोई लोगों को कहे कि कल धरने में चलना चाहिए, लेकिन साथ साथ कहना चाहिए आप सोच समझ के ही आइएगा, आपको ये ठीक नहीं लगता है तो आप मत आइए। तो वो जब आएंगे ज्यादा जोश के साथ आएंगे और ज्यादा टिकाव तरीके से भी आएंगे, और ज्यादा जब वहां सामने, मतलब एक तरीके से हिंसा कौन काम में लेता है, जब उनके पास और कोई रास्ता दिखता नहीं है, वो या तो ये कितने पावरफुल लोग हैं जिनको लॉजिक और रैशनैलिटी के आधार पर चीजें नहीं करनी है, बस थप्पड़ और बंदूक के आधार पर कुछ कराना है क्योंकि उनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं, या कोई और काम में लेता है जिनको लगता है मेरे पास और कोई रास्ता बचा नहीं इसके अलावा कि मुझे किसी और चीज को मार देना पड़ेगा। लेकिन पूरे एक कमिटमेंट के साथ, समझ के साथ आगे बढ़ने का रास्ता, वो मेरे ख्याल में हमें अपनाते ही रहना पड़ेगा। और वो हर व्यक्ति को बस इतना ही एक फॉर्मूला कि जो आप कदम लो, आप सोच लो कि हाँ मैं ही ले रहा हूं, कोई नेता नहीं, कोई और नहीं, उसके आधार पर नहीं, मेरे खुद के अंदर से मुझे लगता है कि ये कदम उस न्याय, उस समानता, उस अच्छी दुनिया, जो मैं दूसरों से चाहता हूँ वो दूसरे मेरे से ले, हर तरफ से मिले, वही एक समझ में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल।